नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष कथूरिया, कथूरिया का नाम मलोट, आज एक बार फिर से आपके पास आया हूँ वेबले का रिवॉल्वर लेके। वेबले के रिवॉल्वर के लिए मेरे एक मित्र हैं शैफ महाजन जी, उन्होंने अपने कमेंट्स में लिखा था कि वेबले के रिवॉल्वर का रिव्यू जरूर बताइए, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ज़रूर बताऊँगा और ज़रूर इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आज आप सबको मैं दिखा रहा हूँ वेबले की कहानी इंडियन ऑर्डिनेंस के रिवॉल्वर की जुबानी। इंडियन ऑर्डिनेंस के रिवॉल्वर को भारत में इसलिए इंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि 95 में बना मार्क वन इंडियन ऑर्डिनेंस का रिवॉल्वर आज तक मार्केट लीडर रहा है। वो शायद इसलिए मार्केट लीडर रहा है क्योंकि और कोई मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं था भारत में, प्राइवेट मैन्युफैक्चर आर्म्स को करना अलाउड नहीं था। बट 2019 के बाद सरकार जैसे ही बीजेपी की आई तो उन्होंने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में फॉरेन की कंपनीज को इनवाइट किया कि यहाँ पे आकर आप अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और यहाँ पे आर्म्स एंड एमुनिशन बनाना शुरू करें। भारत का आर्म्स एंड एमुनिशन बनाने का जो एक सोच है वो शायद इसलिए है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे आर्म्स एंड एमुनिशन का कॉरिडोर बने, ना सिर्फ भारत में विदेशों के बने हुए रिवॉल्वर, विदेशों की तकनीक के बने हुए रिवॉल्वर भारत में बिके, बल्कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पूरे एशिया में इसका विस्तार किया जा सके और एक ऐसा कॉरिडोर स्थापित किया जा सके जिससे भारत को तो इसका फायदा मिले मिले, बिजनेस में भी बल मिले और आत्म रक्षा में भी इसका बल मिले। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब 200 साल अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया है तो तब हमारे जो भारतीय शिजलीकर थे, जो आर्म्स को बनाने में एक्सपर्ट थे, उनको एक सोची समझी नीति के साथ खत्म कर दिया गया था। वो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म किया था या ब्रिटिश के लोगों ने खत्म किया था कि वो लंदन से, इंग्लैंड से जो वेपन इंपोर्ट करते थे उनको ओने पौने दामों में देते थे या गिफ्ट के रूप में देते थे अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, या जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या विदेश इंग्लिश सरकार के लिए काम करते थे उन लोगों को खुश करने के लिए 12 बोर गिफ्ट कर दी, 16 बोर के वेपन गिफ्ट कर दिए, इस तरह का काम वो करते रहे हैं, जिसकी वजह से जो गिफ्टेड वेपन का बाजार था वो बहुत बड़ा हो गया था भारत में और जो यहाँ के बनाने वाले शिजली करते जो हथियार बनाने वाले थे वो बेरोजगार हो गए थे और बिहार की इंडस्ट्री खास करके जो और यूपी में जो हथियार बनते थे वो खत्म हो गए थे, वो शिजली कर खत्म हो गए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मडन एरियाज में, लाहौर में भी और कई पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे भी हथियार बनाए जाते थे और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वहाँ पे भी खत्म हो गए थे बनने। चलिए ये बात रही, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन ऑर्डिनेंस का जो मार्क वन रिवॉल्वर है वो वेबले का मार्क फोर का कॉपी किया हुआ मॉडल है और साथ में एनफील्ड रॉयल आर्म्स, रॉयल स्मॉल आर्म्स इंग्लैंड का जो एनफील्ड मॉडल था रिवॉल्वर का, उसका कॉपी किया हुआ मिश्रण, कुछ थोड़ा सा डिजाइन स्मिथ एंड वेसन का इंक्लूड किया है। पर वेबले जो रिवॉल्वर पहले बनाता था उसमें ये सेफ्टी नहीं होती थी, ये सेफ लॉक नहीं होता था। ये 1940 के बाद सिंगापुर की पुलिस ने डिमांड किया था रिवॉल्वर कि हमें एक रिवॉल्वर ऐसा बना के दीजिए जिसमें ये सेफ्टी फीचर हो। तो एनफील्ड ने, रॉयल आर्म्स एनफील्ड ने जो वेपन बनाया था वो बिल्कुल हुप शुप ऐसा ही वेपन था, ऐसा ही 32 बोर का रिवॉल्वर था, पर वो 32 बोर कैलिबर में नहीं था, वो 0.38 कैलिबर में था। तो पर भारत में सिविल लोगों को ये रिवॉल्वर देने के लिए इसको 0.38 की जगह पे 0.32 का बनाया गया, जो स्मिथ एंड वेसन का कार्ट्रेज है पेटेंट 0.32 लॉन्ग, उसका डिजाइन से इसका सिलेंडर बनाया गया और 0.32 बोर का ये रिवॉल्वर लॉन्च किया गया ताकि सिविल सप्लाई को कैटर किया जा सके। 1995 में ये रिवॉल्वर जो है वो बनाया गया था और 1995 में इसका प्रोटोटाइप अप्रूव होने के बाद ये, इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है
ये 1996 में कमर्शियल प्रोडक्शन आनी शुरू हो गई थी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो रिवॉल्वर है इसकी डिजाइनिंग और इसकी वर्कमैनशिप काफ़ी अच्छी रखी गई थी ताकि इसको भारत के बाजार में उतारा जा सके और कामयाब किया जा सके। ये जो मेरे हाथ में रिवॉल्वर है ये 2003 मॉडल का है। ये मार्क वन रिवॉल्वर है जो इंडियन ऑर्डिनेंस ने सबसे पहले 95 में अपना डिजाइन बनाया था। इसमें क्या है कि इसका जो मैकेनिज्म है ये कमानी बेस्ड है, इसमें स्प्रिंग नहीं है। इसका जो ये हैमर काम करता है ये कमानी के ऊपर काम करता है, जबकि मार्क थ्री में ये कमानी को रिमूव करके इसमें इसकी जगह पे स्प्रिंग लगा दिया गया था। तो ये जो रिवॉल्वर है मार्क वन, इसको सभी रिवॉल्वर के मुकाबले में आज भी अच्छा माना जाता है। इसका एक अलग बाजार है, इसके एक अलग कस्टमर है और इसके अलग ही डिमांड है। तो ऐसे में मार्क वन का जो ये रिवॉल्वर है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ मार्क वन और मार्क टू में क्या डिफरेंस है। मैं अपने सहयोगी गोवन जी को कहूंगा कि थोड़ा पास में आ जाए। मार्क वन में देखेंगे तो इसका जो फायरिंग पिन है ये हैमर के साथ ही लगा हुआ है। फायरिंग पिन हैमर के साथ है, थोड़ी सी मूवमेंट दी गई है, ये जो फायरिंग पिन है ऊपर नीचे हिलती है। पर मार्क टू में इसकी फायरिंग पिन को इनबिल्ट कर दिया गया और हैमर जो है वो फायरिंग पिन के ऊपर हिट करता है, जिसके बाद ये फायर करता है, जबकि उसका फायरिंग पिन हैमर के साथ ही रखा गया है। और मार्क वन मार्क टू में कोई फीचर में कोई बदलाव नहीं है। अब मार्क टू में भी इंडियन ऑर्डिनेंस की तीन फैक्ट्रियां मार्क टू बना रही थी, स्मॉल आर्म फैक्ट्री कानपुर, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर और महाराष्ट्र की अंबरनाथ। प्रोटोटाइप टूल यूनिट जो है वो अंबरनाथ में बॉम्बे के पास एक सिटी में बना रहा था। जब ये मार्क टू रिवॉल्वर अंबरनाथ ने 2010 तक बनाया है, जबकि कानपुर के दोनों यूनिट ने मार्क टू रिवॉल्वर को 2007 तक बनाया है। 2008 में कानपुर की दोनों फैक्ट्रियों ने, फील्ड गन ने और स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री ने, अब मार्क थ्री को लॉन्च कर दिया था, मार्क टू की प्रोडक्शन बंद कर दी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्क थ्री कौन सा रिवॉल्वर है जो उसमें क्या फर्क दिए। मेरे हाथ में अब मार्क थ्री रिवॉल्वर है, इसमें मार्क टू के अलावा कोई चेंजेस नहीं है। आप बाहर से देखेंगे बिल्कुल मार्क टू और मार्क थ्री जो है वो डिटो ही दिखते हैं, एक जैसे दिखेंगे। ये वाला मार्क टू है और ये वाला मार्क थ्री है, पर इसके मैकेनिज्म में फर्क है। इसका मैकेनिज्म जो है वो स्प्रिंग बेस्ड है और इसका जो है वो कमानी बेस्ड है। पर अब सोचने की बात ये है कि कार के चार पहिए होते हैं, वही इंजन होता है, चलती वो भी सड़क पे, ये भी सड़क पे है, पर टेक्नोलॉजी का फर्क जरूर होता है। मर्सिडीज बेंज जो कार बनाती है वो मारुति के साथ कंपेयर नहीं की जा सकती। ऐसे में जो मार्क थ्री का रिवॉल्वर है इसका चलने में ये ट्रिगर बहुत हार्ड है, जब इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो एक बहुत पावर लगती है। मेरे पास अक्सर ही 50 की उम्र के ज्यादा के लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार हमारा रिवॉल्वर खराब हो गया, ये अब चलता नहीं है, इसको इसके ट्रिगर को दबाना हमारे लिए बस की बात नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद रिवॉल्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, बट उम्र के बढ़ने के बाद बाद साथ साथ हमारी जो उंगलियों की पोटेंशियल पावर है ये भी कम होती जाती है। ऐसे में इसका ट्रिगर दबाना 50 के बाद मुश्किल होता जाता है, 60 के बाद तो बहुत सारे 80% लोगों से इसका ट्रिगर नहीं दबता। और दूसरा इसका नेगेटिव फीचर ये है कि जैसे ही हम ट्रिगर दबाने की कोशिश करते हैं तो ये रिवॉल्वर हिलता है, हिलने की वजह से जो टारगेट है वो आप मिस कर सकते हैं, चूक सकते हैं, आपकी गोली निशाने पर ना लग के कहीं और लग सकती है। जो आपका पर्पज है रिवॉल्वर रखने का अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। ऐसे में मार्क थ्री का रिवॉल्वर लोगों ने मजबूरी में खरीदा, धड़ाधड़ लाइसेंस बन रहे थे जब पंजाब में या अन्य स्टेट्स में, तो इंडियन ऑर्डिनेंस के पास एक अकेली फैक्ट्री होने के बावजूद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो मार्क थ्री का रिवॉल्वर बाजार में लाखों की तादाद में इंडियन ऑर्डिनेंस ने बेचा। पर मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ कि ये रिवॉल्वर किसी काम का नहीं है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो वर्स्ट टेक्नोलॉजी है, जो इसका स्प्रिंग है वो बिल्कुल हार्ड होने की वजह से
काम नहीं करता, और ऐसे में इसकी मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा आती है, और इसकी जो सिलेंडर है इसमें अक्सर गोलियां फूलने की और गोलियों के फंसने की प्रॉब्लम अक्सर ही आम तौर पे देखी गई है। इसके जो ये साइड में ये लॉक दिए गए हैं कि सिलेंडर को होल्ड करें, ये भी ढीली होने की वजह से सिलेंडर अक्सर ही निकल जाते हैं। इसका जो इजेक्टर है वो भी कई बार काम नहीं करता है। ऐसे में ये जो मार्क 3 का रिवॉल्वर है, दिस इज नॉट अप टू मार्क। मेरे हिसाब से इसका वर्थ जो है, जब कस्टमर पैसे खर्चता है तो वो उसको उम्मीद होती है कि उसको खर्चे हुए पैसे की वर्थ मिले, पर मेरे हिसाब से कस्टमर के पास, हिंदुस्तान के लोगों के पास, लाइसेंस होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ऐसे में ये रिवॉल्वर खरीदना सिर्फ उनकी मजबूरी थी। इसके बाद मार्क 3 को डेवलप करके उन्होंने मार्क 4 लॉन्च कर दिया, साथ में प्राइस इंक्रीज कर दिया। मार्क 4 2016 में लॉन्च किया था, इसमें चेंजेस मार्क 3 के मुकाबले सिर्फ ये कर दी गई कि इसका जो रिसीवर है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जबकि मैंने मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 के रिसीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, पर यह मार्क 4 के रिसीवर को स्ट्रॉन्ग किया गया, या इसकी कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मॉडल और शेप को चेंज करने के लिए सिर्फ पैसा लगाया, बढ़ाने के लिए, प्राइस बढ़ाने के लिए ये ऐसी डेवलपमेंट की गई, पर मार्क 3 मार्क 4 के मुकाबले में कोई चेंजेस नहीं है, कोई बढ़त नहीं मेरे को दिखाई दी कि कोई फ़ायदा है मार्क 4 का। साथ में मैं आपको एक वेपन 2010 में इंक्लूड किया था इंडियन ऑर्डिनेंस ने, 5 इंच बैरल का, ये 5 इंचेस बैरल है। ये वेबले भी बनाता था 5 इंच बैरल, 6 इंच बैरल तक 455 बोर में, उसी को इस रिवॉल्वर की रेंज बढ़ाने के लिए, ज़्यादा दूरी तक गोली को पहुँचाने के लिए ये रिवॉल्वर बनाया गया था, जिसके बाद लोगों के ये कुछ लोगों ने इसको पसंद किया, बट ओवरऑल इंडियंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, ये करीब करीब 1,25,000 से 30,000 रुपये तक का आज बाज़ार में अवेलेबल है, और जो मार्क 4 है वो करीब 92-93। अब मार्क 4 भी बंद कर दिया है इंडियन ऑर्डिनेंस ने, इसकी जगह पे उन्होंने परिहार को लॉन्च कर दिया है। परिहार में इन्होंने सिर्फ ग्रुप स्पोडन दे दी है, और ये जो इसका सिलेंडर है जिसमें कार्ट्रिज फिल होते हैं, ये सिल्वर कलर का कर दिया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। मार्क 4 भी उतना हार्ड है जितना परिहार हार्ड है, और इसको चलाने के वक्त आप टारगेट मिस करते हैं। इसमें 5 इंच बैरल दी गई है, जो हमारा अनमोल सीरीज का रिवॉल्वर है। ये 2010 में कमर्शियल कमेंसिंग हो गई थी इसकी, 2010 में इसको बाजार में फ्लोट कर दिया गया था, बट ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा क्वांटिटी के वेपन जो है वो मार्क 3 के वेपन ही ज़्यादा बाजार में है। आज मार्क 3 का जो वेपन है वो 88,000 रुपीस का बाजार में बिक रहा है। अक्सर ही लोग पूछते हैं कि, कमेंट डालते हैं कि प्राइस क्या है, तो मैं प्राइस भी आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि करीब 88,000 से 90,000 रुपए का मार्क 3 रिवॉल्वर बिकता है। मार्क 1 की अपनी एक अलग से सेगमेंट है, ये माना जा सकता है कि डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ द वेपन क्या है, ये 90,000 में भी बिक जाता है, 1,00,000 रुपए में भी बिक जाता है। तो मार्क 1 जो है वो सभी इन क्वालिटी की बात करें तो मार्क 1 की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मार्क 1 में फाइनली अब पीछे 2020 में इन्होंने एक चेंज और करी कि मार्क 1 की डिमांड होने के बाद मार्क 1 को रीलॉन्च किया गया निशंक के नाम के ऊपर। अब निशंक के नाम में इन्होंने क्या चेंजेस करी, मार्क 1 जो पुराना रिवॉल्वर आता था और जो निशंक लॉन्च किया, इसमें सिर्फ ये चेंज करी इन्होंने कि मार्क 1 में एक बैरल लगा दी, नहीं इसके बैरल को स्लीव को अंदर लगा दिया और बैटर ग्रूफ दे दी, या क्रोम बैरल कहते हैं कि जी ये बैरल जो है क्रोमियम स्टील की है, और थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसका जो लेंथ है वो बढ़ा दिया, सिलेंडर के बाद ही रिसीवर से लेंथ शुरू करके 0.5 इंच के करीब ये बैरल को लेंथ बढ़ाया गया है। जो पहले रिवॉल्वर आते थे उनकी 3 इंच थी, जो अब निशंक का मॉडल आ रहा है वो 3.5 इंच के से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.5 इंच और 3 इंच। ये टोटल रिवॉल्वर की जो लेंथ है ग्रिप से शुरू होके 7.5 इंच की लेंथ है, जबकि
विकिपीडिया के ऊपर इसकी लेंथ जो है वो 7 इंच बताई गई है, पर इसकी लेंथ 7 इंच नहीं है, इसकी लेंथ जो टोटल लेंथ ऑफ वेपन है मार्क वन की वो 7.5 इंच है, और जो निशंक मॉडल आ रहा है इसकी टोटल जो लेंथ है वो 8 इंच है। चलिए अब इंडियन ऑर्डिनेंस के रिवॉल्वर्स को कंक्लूड करने के बाद हम वापस जो 32 बोर का रिवॉल्वर दिखा रहा हूं मैं आपको, वेबले का। ये वेबले जो कंपनी थी इंग्लैंड में डेवलप हुई और भारत में 1976 से लेकर 1982-83 तक बहुत सारे वेपन इसके इंपोर्ट हुए, पर जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया, तो उसके बाद जो चेंजेस करी गई उसमें इंपोर्टेड वेपन्स को इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद आज तक भी वो बैन एज इट इज इम्पोज्ड है। सिर्फ शूटर्स जो हैं, इंस्पायर्ड शूटर्स हैं, जो रेनॉन्ड शूटर्स हैं वो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जबकि सिविल के लिए इंपोर्ट करना बंद कर दिया गया था। मैं अपने साथी को कहूँगा कि ये पहले एक बार रिवॉल्वर दिखा दें अच्छे से। ये मेरे एक दोस्त हैं दपिंदर ढिल्लो, जो यहाँ पे मलोट में शताब्दी राइस मिल के ओनर हैं। वो मेरे को कहते थे आज से 2 साल पहले कि कसूरिया जी वेपन तो बना लेंगे इंडिया वाले, पर वो लोहा कहाँ से लेके आएंगे, जिसके साथ वो मेटलॉजी कहाँ से आएगी, जो इंग्लैंड में वो वेबले बनाया करते थे उसके एट पार इंडिया में वो वेबले बन जाएगा। हर एक इंसान की एक दिमाग में ये बात थी कि जो इंडिया में वेबले बनेगा वो एट पार नहीं होगा इंग्लैंड के वेपन के मुकाबले, पर मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि वेपन एम्बियंस से, वर्कमैनशिप से, क्वालिटी से इंग्लैंड का जो बर्मिंगम में बना हुआ वेबले स्कॉट का जो वेपन था उससे बेटर है, कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि उससे कमी है। साथ में मैं ये कहूँगा कि इसका जो मैकेनिज्म है, ये वाला जो ट्रिगर दबाते हैं, ये उतना ही सॉफ्ट है जितना ओरिजिनल वेबले का सॉफ्ट हुआ करता था, कोई चेंज नहीं है, आप मात्र एक रत्ती भर का फर्क नहीं ढूंढ सकते। अगर मैं दोनों के ऊपर ये मार्किंग खत्म कर दूं तो एक इंग्लैंड का वेबले रख दूं और साथ में ये वाला इंडियन मेड वेबले रखूं, दोनों की मार्किंग खत्म कर दूं, तो कोई भी मेरे को नहीं लगता कि कोई इसको पहचान पाएगा। तो ऐसे में ये जो वेबले है ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला रिवॉल्वर है, मार्क 4 वेबले एंड स्कॉट की जो है ये बिल्कुल कॉपी है, और लिखा भी गया है यहाँ पे मार्क 4.32। अब ये देखिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया, ये इसके ऊपर एक और मार्क है SMPL, मैं कहूंगा अच्छे से दिखा दें SMPL। अब SMPL का मतलब ये है कि सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक लखनऊ की फर्म है, सियाल फैमिली है, जिन्होंने वेबले के साथ कोलैबोरेशन करके भारत में इस रिवॉल्वर को बनाना शुरू किया, जबकि इंग्लैंड में ये वेबले एंड स्कॉट जो कंपनी है वो खत्म हो चुकी थी, उसका जो वेपन बनाने का कारोबार है वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया था, वो वेपन ट्रेड से बाहर चले गए थे, पर अब वापस जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी चेंज कर ली है तो वेबले फिर से इंडिया में वापस लॉन्च हुआ है। वेबले 80 के दशक में भारतीयों की पहली पसंद था और आज भी भारतीय लोगों की, कई लोगों की इच्छा है कि यार वेबले का रिवॉल्वर अगर मेरे पास हो तो क्या कहने। तो वेबले एक जैसे हमारा बुलेट मोटरसाइकिल है, एनफील्ड मोटरसाइकिल है, वो आज भी दुनिया में जाना जाता है उसकी क्लासिक लुक की वजह से, उसके क्लासिक साउंड की वजह से, उसी तरह से ये जो वेबले का रिवॉल्वर है ये आज भी भारत में जाना जा रहा है अपनी क्लासिक लुक और ट्रेडिशनल लुक और फैंटास्टिक मैकेनिज्म की वजह से। अच्छा, मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, ये एक WP का निशान दिया गया है,
ध्यान से अगर आप देखें तो वेबलेब प्रोडक्ट, WP स्टैंड फॉर वेबलेब प्रोडक्ट, ये प्रूफ टेस्टिंग का जो लाइसेंस मिला हुआ है सियाल आर्म्स कंपनी को, सियाल आर्म मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड को, उन्होंने अपना प्रूफ टेस्टिंग का ये सिंबल यहाँ पे इंग्रेव किया है। ये मेरे को बताया गया है सियाल ब्रदर्स की तरफ से कि वेपन बाजार से आने से पहले 30 राउंड वो इसमें फायर करते हैं, जिसमें से 6 राउंड जो प्रूफ टेस्ट एमोनेशन होता है जिसकी पावर 1.5 गुना होती है वो चलाते हैं, और 24 राउंड वो चलाकर देखते हैं क्वालिटी सर्टिफिकेशन से पहले। 24 राउंड जो नॉर्मल एमोनेशन है वो चला के देखते हैं, 30 राउंड चलने के बाद ही ये जो रिवॉल्वर है इसको क्वालिटी सर्टिफाई करके बाजार में भेजा जाता है। ऐसे में क्वालिटी सर्टिफिकेशन का साथ में एक सर्टिफिकेट, एक बुकलेट जिसमें मैनुअल दिया गया है कि इस रिवॉल्वर में क्या क्या खूबियां हैं और कैसे इसको यूज करना है, और साथ में एक वारंटी कार्ड दिया गया है कि इसकी वारंटी जो है कंपनी एंड पे अगर कोई फॉल्ट रहता है तो कंपनी इसकी वारंटी आपको देगी। मैं कहूंगा कि ये एक बार सर्टिफिकेट दिखा दें, ये प्रूफ टेस्ट सर्टिफिकेट है वेबले इंडिया द्वारा जारी किया गया, सियाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिस पे ये वेबले का राउंड स्टैंप भी लगाया है। इसमें लिखा गया है कि इसकी क्वालिटी को बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया गया है और ये बाजार में बेचने के लिए और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए कोफाइट क्वालिटी सर्टिफिकेशन इसका हो चुका है, और हर वेपन को ये नंबर डाल के उसका सीक्वेंस डेट नंबर डाल के उसको वेरीफाई करके फिर ही ये सर्टिफिकेट साइन होता है और बाजार में इसको भेजा जाता है। ये लिखा गया है इट इज सर्टिफाइड दैट द अंडर मेंशनड स्मॉल आर्म हैज दिस डे बीन प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस आउटलाइंड इन द इंडियन आर्म्स एक्ट एंड एज पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन and sales drawn up for the proof of small arms under the Gun Barrel Proof Act of the United Kingdom 1868, 1950 and 1978। उन्होंने कहा है कि ये जो इस रिवॉल्वर के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आर्म्स एक्ट के मुताबिक जो प्रूफ टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस ड्रॉ की गई हैं उसके मुताबिक तो अप्रूव्ड है ही है। इसके अलावा स्मॉल आर्म्स अंडर द गन बैरल प्रूफ एक्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम में कानून बनाया गया 1868 में किसी भी बैरल को प्रूफ करने का, उस एक्ट के मुताबिक भी इसको क्वालिटी को अश्योर करते हैं। बाद में इसकी अमेंडमेंट 1950 में की गई और फिर फाइनली इसकी अमेंडमेंट यूनाइटेड किंगडम में 1978 में की गई, उसके मुताबिक ही इस वेपन की सारी कैटेगरीज को और गाइडलाइंस को मैच करते हुए ये वेपन जो है बाजार में उतारा गया है भारतीय बाजार में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो रिस्पांस है, इसको खरीदने वाले जितने भी इसके कस्टमर हैं वो आज की तारीख में इससे सेटिस्फाइड हैं। आज की तारीख में जो इसका प्राइस है फ्लोटिंग प्राइस इन द मार्केट दैट इज अराउंड 1,75,000 to 1,80,000, 5,000 की वेरिएशन इसलिए है कि कहीं ना कहीं एयर फ्रेट बढ़ जाता है, कहीं लोकल अथॉरिटीज के ट्रांसपोर्ट लाइसेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में अलग अलग स्टेट में इसका जो प्राइस है अवेलेबिलिटी के ऊपर और उनके खर्च के ऊपर डिपेंड करके आज की तारीख में ये करीब करीब 1,80,000 के प्राइस में बाजार में अवेलेबल है। तो चलिए, आज का रिव्यू आपको कैसा लगा, हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको तक पहुंचाई रॉयल स्मॉल आर्म्स एनफील्ड के वेपन से ड्रॉ करते हुए इंडियन ऑर्डिनेंस के वेपन्स और वेबले स्कॉट का मार्क 4 मैंने आप आज को दिखाया, आज आप सब तक ये इसका रिव्यू पहुंचाया। तो आप प्लीज़ अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें आपको लगता है कि इसमें कॉन्टेंट अच्छा था तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
अपने रिश्तेदारों के साथ, और इसके ऊपर अगर कोई और चर्चा करनी हो तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई उसी वक्त दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड हैव ए नाइस, आने वाला जो टाइम है आपका सबसे अच्छा हो, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू, धन्यवाद।